जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों का लगाव किसके प्रति ज्यादा होता है, माँ के प्रति। चाहे वो कोई टेंशन में हो या कोई प्रॉब्लम उसको फेस करनी हो, तो सबसे पहले हर बच्चे को कौन याद आता है? ओनली मम्मी, माँ याद आती है हर बच्चे को। तो भक्त कह रहे हैं, भैया आपके सिवा हमारे जगत में कोई नहीं है, क्योंकि ये भाव रखा जाता है कि लाली मेरी मात की, कि लाली मेरी मात की, और चित देखो भाव रखा जाता है कि दरबार में अंबी रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। बोले सच्ची दरबार की जय हो। और भक्तों का भाव है क्या कि मेरा तेरे बिना नहीं कोई अम्बेमा, कि नहीं कोई अम्बेमा, नहीं जगदम्बेमा। और अगर आप भी सच्ची श्रद्धा के साथ ये मानते हैं तो तालियों के साथ दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे क्या कि मेरा तेरे सिवा नहीं कोई अम्बेमा, तेरे सिवा नहीं कोई अम्बेमा, ओ मेरे तेरे सिवा नहीं कोई अम्बेमा, मेरा तेरे सिवा नहीं कोई अम्बेमा, नहीं कोई अम्बेमा मेरी जगदम्बेमा, नहीं कोई जलाए रखी। और क्या
तो वो चुप तो रह ही नहीं सकती। और बात भी क्या करेंगे, इससे उसकी चुगली, उससे उसकी चुगली, कभी भी भगवान के विषय में तो चर्चा कर ही नहीं सकती। कोई संत कहते हैं, बोले आठवां अजूबा अगर देखना है तो जहाँ चार मैया इकट्ठी बैठी और वो शांत हो तो दुनिया का आठवां अजूबा वो माना जाता है। लेकिन वो भक्त नहीं कहती कि जब भी चार इकट्ठी हम सहेलियां बैठती हैं तो सिर्फ माँ की चर्चाएं करती हैं, माँ के विषय में चर्चाएं करती हैं, माँ के श्रृंगार के विषय में चर्चा करती हैं। आइए किस भाव के साथ लिख दिया, कई सखियों में बैठ तेरी कथा कहो, सखियों में बैठ तेरी कथा कहो, तेरी कृपा दुख में, हो आंखें दुख में।